नमस्ते और ओम शांति। आप सब श्रोताओं का आपको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सीख द सोल द ट्रुथ लाइज विदिन में। और आज के श्री वरदान में जाने से पहले, 242 दिन के श्री वरदान जाने से पहले आपके लिए लिंक दिया गया है नीचे, यूट्यूब लिंक, जिसमें कि आप जाकर के चेक कर सकते हैं योग आसन के बारे में, डाइट के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, और साथ ही साथ आप कैसे चेयर पर बैठ कर एक्सरसाइज कर सकते हैं, डिप्रेशन में क्या करना चाहिए, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। आप उन सब टॉपिक्स को चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप औरों के साथ भी शेयर करें उसको। तो आज के ईश्वर वरदान में परमपिता परमात्मा हमें कहते क्या हैं, उसको हम चेक करें, समझें और अपने जीवन में जितना अपना सकें उतना अपनाएं। तो बाबा कहते हैं, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भवा। तो ताज क्या है और तख्त क्या है, तिलक क्या है, सब समझेंगे हम विस्तार में चले। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। वे राजा जब तख्त पर बैठता है तो जो ताज होता है और जो तिलक होता है वो उनकी निशानी बन जाती है कि नहीं? ऐसे जो दिल तख्त नशीन है, परमात्मा के दिल के तख्त, परमात्मा के जो दिल का जो थ्रोन है उस पे जो बैठ जाते हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। परमपिता परमात्मा सदा ही पवित्र रहते हैं, सदा ही आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। हम आत्मा शरीर में आने के बाद में काम क्रोध लोभ अहंकार में फंसती जाती हैं, लेकिन जो आत्माएं प्रैक्टिस करते करते, मेहनत करते करते अपने आप को आत्मा समझने में टिका लेती है, उनका मन टिक जाता है आत्मा के स्वरूप में, वो फ्लक्चुएट नहीं करती। कभी शरीर के आकर्षण में आना, कभी आत्मा समझना, फिर शरीर की चीज़ों के आकर्षण में आना, फिर आत्मा समझना, फिर शरीर के रूपों में आकर्षित होना, फिर आत्मा समझना, वो बार बार तख्त से उतरते फिर चढ़ते, फिर उतरते फिर चढ़ते। तो जो राजा बार बार अपने तख्त पर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, ताज पहने फिर उतार दे, तिलक लगाए फिर मिटा दे, तो उस राजा की हालत क्या होगी? तो परमात्मा कहते हैं, ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। और उनको समझ आता है कि ये आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनके जो मन में जो संकल्प चलते हैं हर एक आत्मा के प्रति, जिस कारण से शुभ भावना उनकी हर एक आत्मा के प्रति है, उनके नैनों से, उनकी आंखों में अगर आप देखोगे तो छल कपट नहीं होगा, उनकी आंखों में अगर आप देखोगे तो उनकी इच्छाएं नहीं होंगी, लोभ नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, तो उनकी आंखों में भी सबके लिए, सब आत्माओं के लिए कल्याण की शुभ भावना होगी। वो कैसे दिखेगी? उनके मुखड़े से दिखाई दे देगी, उनके नैनों में दिखाई देगी, उनकी आंखों में दिखाई देगा कि ये आपका भला चाहते हैं ये आत्मा। उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप के समान होता है। उनका हर संकल्प जो उनकी सोच होती है, वचन जो होते हैं, जो बोल बोलते हैं, और जो उनके कर्म होते हैं, वो बाप के समान होते हैं। उस लेवल तक पहुंचना मतलब कि भगवान जैसा बन जाना, बल्कि भगवान भगवती बनने के लायक बन जाना बहुत ऊंची स्टेज है। तो अभी तो हम ABCD सीख रहे हैं, उसके बाद में जा करके फिर हम प्रमोशन में जाएंगे, ट्रांसफर हो गया आस्ते आस्ते करके, तो ही जाकर के हम उच्च पद पा पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये बहुत ही ऊंची स्थिति है, फाइनल स्टेज है, लेकिन इसको पहुंचना हर किसी को है, नहीं पहुंचेंगे तो अपना ही नुकसान है इसमें। तो ये है कैसे, परमात्मा के दिल के तख्त पर कैसे बैठें, वो क्या तख्त है, और परमात्मा उस तख्त पर कैसे बिठाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमसे चाहते हैं, ये सब कुछ हम ब्रह्मा कुमारी सीखते हैं। आप भी सीख सकते हैं, आप भी जा सकते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जहाँ पर जाकर के आप निःशुल्क इन सब बातों को अपने जीवन में आस्ते आस्ते करके दिन बे दिन मेहनत करते हुए धारण कर सकते हैं। तो ये आज का श्री वरदान, आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।